सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने 3 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि नवंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दिल्ली में स्मॉग टावर स्थापित करने के निर्देश दिए थे। दरअसल वायु प्रदूषण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भीषण समस्या है और भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे कि स्मॉग टावर क्या होता है और वायु प्रदूषण से ये दिल्ली वासियों को कैसे निजात दिलाएगा। दुनिया भर के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में 10 में से 9 लोग उच्च स्तर के प्रदूषकों से युक्त हवा में सांस ले रहे हैं। WHO का अनुमान है कि प्रदूषित हवा से हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोग मरते हैं, जबकि अकेले भारत में इससे मरने वालों की संख्या तकरीबन 1.2 मिलियन है। वायु प्रदूषण की समस्या से दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। बीते साल चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण के चलते आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। बीजिंग के अलावा चीन के कई अन्य शहरों में भी हालात बुरे रह चुके हैं। चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई शहरों में स्मॉग टावर भी लगा दिए हैं ताकि लोगों को स्वस्थ हवा दी जा सके। स्मॉग टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्योरीफायर के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें आमतौर पर एयर फिल्टर की कई परतें होती हैं जो हवा से प्रदूषकों को साफ करती हैं जब यह हवा इन फिल्टरों से होकर गुजरती है। ऐसा माना जा रहा है कि लाजपत नगर में स्थापित स्मॉग टावर हर दिन 6 लाख क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने में सक्षम है और यह हवा से तकरीबन 75% से अधिक प्रदूषित कणों को साफ करेगा। आपको बता दें कि 20 मीटर यानी 65 फीट ऊंचे टावर में बड़े पैमाने पर एयर फिल्टर लगाए गए। टावर के शीर्ष पर कई सारे पंखे लगे हैं जिनके जरिए प्रदूषित हवा को अंदर खींचकर उन्हें फिल्टरों में भेजा जाता है। फिल्टरों से शुद्ध हवा को टावर के निचले भाग से छोड़ा जाता है। टावर में स्थापित फिल्टरों में मुख्य घातक के रूप में कार्बन नैनोफाइबर का इस्तेमाल किया गया है। टावर का मुख्य काम हवा में अभिकणों या पर्टिकुलेट मैटर को घटाना है। स्मॉग टावर परियोजना को IIT मुंबई ने IIT दिल्ली और मिनी सोटा विश्वविद्यालय के सहयोग से अमलीजामा पहनाया गया। इस परियोजना में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी मदद ली गई है। आपको बता दें कि मिनी सोटा विश्वविद्यालय के ही सहयोग से ही चीन के जियान शहर में भी स्मॉग टावर स्थापित किया गया था। जियान में स्थित स्मॉग टावर दुनिया का सबसे बड़ा स्मॉग टावर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस टावर ने 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में PM2.5 को तकरीबन 15 से 20% तक कम कर दिया है। आपको बता दें कि प्रत्येक स्मॉग टावर की लागत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए आती है, जिसमें फिल्टरिंग उपकरण, निगरानी प्रणाली और टावर का निर्माण शामिल है। इस उपकरण के समर्थकों का कहना है कि ये गंभीर वायु गुणवत्ता से कुछ राहत पाने के लिए एक अच्छी तकनीक है। दूसरी ओर इस उपकरण के प्रतिपक्षी कहते हैं ये बहुत महंगा है और इसकी प्रभावशीलता को जानने के लिए कोई प्रमाणिक डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इस स्मॉग टावर के वास्तविक प्रभावों को जानने के लिए कुछ और समय का इंतजार करना होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि देश के नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए एक अच्छा कदम है।